अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबके रिज़क में कसरत और बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चले जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये देखिए आज क्या हो रहा है हमारे घर में। अभी अभी कॉल आई है फ्रेंड की कि मैं आप लोगों को सरप्राइज़ देने वाली हूँ, और उसने वाकई हमें सरप्राइज़ दे दिया। और ये सारे काम हम लोगों ने इतनी जल्दी में किए, इतनी जल्दी में किए कि उफ़। हाँ, उसने अभी रास्ते में थी और उसने कॉल की कि मैं आ रही हूँ ना तुम लोगों की तरफ, और हम लोग इतनी गंदी हालत में बैठे हुए थे। और अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई गेस्ट आ रहा होता है ना, तो वो घर ऑलरेडी इतना गंदा होता है, और जब घर साफ़ सुथरा हो, सब कुछ हो, तो फिर कोई भी नहीं आता। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी सेटिंग चेंज की। कुछ हम लोगों ने ना बाहर ये प्लांट जो था, ये इंडोर प्लांट था, ये हमने पहले रूम में रखा हुआ था और फिर ये बाहर ला के हमने रख लिया, थोड़ा लुक चेंज हो जाए। और यहाँ पे हम लोगों ने सेटिंग वगैरह करके इन सब का, ये सोफ़े कुछ आगे पीछे करके, और यहाँ पे जो कारपेट हम लोगों ने विंटर्स के लिए, वैसे हम लोग समर्स में उठा लेते हैं और विंटर्स में वापस बिछा लेते हैं। तो फिर हमने कहा कि चलो आज मौका भी है, तो चलो कर लेते हैं ना ये काम भी। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने कारपेट बिछा लिया है और ये बड़े मज़े का लग रहा है वैसे। और ये कि थोड़े अरसे बाद सेटिंग चेंज कर लेनी चाहिए, वो बड़ी अच्छी लुक और बड़ा अच्छा लगता इतनी है। फ्रेश फ्रेश सी लुक आती है ना। हाँ, फ्रेश सी लुक आती है बिल्कुल यार, इंसान का माइंड भी फ्रेश हो जाता है और सब कुछ ना, तो ये अच्छा होता है वैसे। हाँ, तो ये इंडोर प्लांट जो है ना, बड़े मज़े का लग रहा था वैसे। इससे भी जो है ना, आपके माइंड में बड़ी फ्रेशनेस सी आती है, और चेंजिंग कर लेनी चाहिए कभी कभी। और यहाँ पे ये मैंने मंगवा लिए यहाँ से मार्केट से कुछ चीज़ें, घर में कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, कुछ मैंने मंगवा लिए मार्केट से। तो फिर हमारा प्लान है कि आज बिरयानी बनाते हैं, और बिरयानी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, और अम्मी के हाथ की बिरयानी ना, उन लोगों को बस ये होता है कि अम्मी के हाथ की बिरयानी खानी है। तो बिरयानी मैंने बनाई थी, और इसके अलावा तुमने यहाँ नहीं पे, बनाई थी, अम्मी ने बनाई थी। हाँ अम्मी ने बनाई थी। यार तुम तो कोई मौका हाथ से जाने ना देना ना। और यहाँ पे जी ये गेम खेल रहा है ये लड़का, इसको मैं कह रही हूँ कि उठो, मुझे बेडशीट चेंज करने दो, कुछ मुझे सेटिंग वगैरह करने दो। इसको तो ये आजकल गेम, और ये जो है ना मिरर, ये मैंने दूसरे रूम से ला के यहाँ पे रखा है, और ये ना उस दिन मैं आपको बता रही थी वैसे दूसरी वीडियो में, और ये बड़ा मज़े का लग रहा था। इसके सामने पिक्चर आप लेके बैठ के ले सकते हैं, और कुछ एस्थेटिक्स सी पिक्चर्स वगैरह और ये वो। और भाई यहाँ पर हम लगे हुए हैं किचन में अब ये लोग काम करने के लिए, क्योंकि हमने कहा कि कुछ चीज़ें हम लोगों ने पहले से मैरिनेट करके रखनी है। ये बना रही है शाशलिक स्टिक्स के लिए, हम लोगों ने पहले से ये मसाला वगैरह बना के उसको मैरिनेट करके रख लिया है। और यहाँ पे इसने क्या क्या डाला है तुमने इसमें? यहाँ पे मैंने इसमें डाला है सोया सॉस डाला है, और ऑरिगेनो डाला है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा तंदूरी मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं, नमक डाला है और मिर्चें डाली हैं, और इसमें बस ये तिक्का मोटी हाँ मसाला तिक्का भी है। मोटी मसाला भी डाला हुआ है। तो इसमें सोया सॉस भी बड़े मज़े का लगता है। फिर इसमें चिकन डाल के, और उसमें हम लोग कैप्सिकम और टोमेटो और ऑनियन जो है वो इसमें वो ऐड कर लेंगे, और स्टिक्स पे लगा के उसको फ्राई कर लेंगे। वो अभी अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे के फाइनल उसकी लुक क्या है। और ये भी आपकी जो दस्तरखान को है ना, ये चार चांद लगा देती है। ये ना है भी बहुत ज़्यादा इजी, और ये एक अलग से डिश हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। ठीक है। हाँ, और ये एक झटपट से बन जाती है। कोई ज़्यादा वो भी नहीं होता और अच्छा लगता है। और यहाँ पे जी हमारे साथ साथ रायता भी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये रायता तैयार करी है। और बाकी जो है हम लोगों ने यहाँ पे किचन में इतना मेस क्रिएट हुआ हुआ है, उफल्ला। और यहाँ पे बिरयानी का मसाला भी अम्मी ने बना लिया था पहले से, कि चलो मसाला वगैरह पहले से बना के रख लेते हैं, राइस बॉयल करके रख लेते हैं, बाद में जब मतलब गपशप भी करनी होती है, जाहिर सी बात है, फिर ये होता है कि बंदा पहले से कुछ काम कर ले और बाद में गपशप भी कर लेता है, और कुछ जो एंड वाला टच होता है वो देना होता है। और यहाँ भी जो मगज़ होता है, पता नहीं आप लोगों को पसंद है ये नहीं, हमारे घर में सबको इतना ज़्यादा पसंद है मगज़। मेरे भाई के लिए हम लोगों ने बना के रखा था, उसका था कि वो फ्रेंड के साथ गया हुआ था, और उसने कहा था कि मैं वापस आके ना खाऊँगा। तो जी यहाँ पे ये हो गया था, फ्रूट ट्राइफल रेडी हो गया था। ये दो जो है वो हम लोग ने दोनों डिशेज में डाल लिया है, और ये भी अभी वैसे बड़ा इजी और झटपट से बन जाता है ना फ्रूट और ट्राइफल। इसके अभी ऊपर से गार्निश करना है इसको, हाँ, बिस्किट्स के साथ इसमें वो बिस्किट्स, केक या ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी आपको, ये किशमिश वगैरह और इस तरह से ना। तो जी यहाँ पे हो गया है, रायता तैयार हो रहा है, बाकी चीज़ें जो है रेडी हो रही हैं। तो A few moments later. कर देना। कब है तुम्हारी बर्थडे? है नहीं यार, इसकी, इस लड़की की बर्थडे है, और ये जो है ना इसने। अच्छा तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि खाने में पास्ता पसंद है आपको? हाँ। और बिरयानी पसंद है। बिरयानी भी पसंद है? हाँ। ठीक है, और स्वीट में क्या पसंद है? कस्टर्ड। कस्टर्ड, अच्छा देखो आपके लिए मैंने बिरयानी भी बनाई है, पास्ता भी बनाया है, और कस्टर्ड बनाया है। और क्या पसंद है?
कुछ भी पसंद है? सब कुछ पसंद है। अच्छा, ग्रेप्स खाओ, अपने चाय पीने की। तो जी, यहाँ पे हमारे मेहमान जो हैं आ गए थे, और दूसरा ये है कि वाई आर यू लॉफिंग गर्ल। तो जी, यहाँ पे ये जो है ना फ्रूट सैलड हम लोगों ने तैयार कर लिया था। मैंने कहा कि चाय तो हम लोगों ने दे दी थी, लेकिन फिर ये है कि बाद में काफ़ी टाइम, अभी खाने में थोड़ा टाइम था, तो हमने कहा कि ना फ्रूट सैलड जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ये चीज़ है ना, इसके साथ बड़ा शौक हुआ था। ये मैंने कहा था कि इसको पास्ता में करती हूँ, कॉर्न को ना इसको मैंने बॉयल करने के लिए रख लिया, और बाद में हम लोग ना बातों में जब वो हो गए थे, मसरूफ़ हो गए थे, और ये जल जल के पानी इसका सूख के ये बिल्कुल कोयला हो गए थे, क्योंकि हम लोगों ने जो दूसरा वाला चूल्हा लगाया हुआ, हम लोगों ने वो बाहर गैलरी में लगाया हुआ है ना, तो वहाँ पे आना जाना इतना नहीं रहता। और बाद में जब बाबा ने जाके देखा, पता नहीं किस टाइम, और वो बिल्कुल, यार थैंक्स गॉड कि कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो ये होता है कि नज़र के सामने कोई चीज़ होती है तो उसका अलग ही वो होता है। और ये जो है ना, ये तैयार हो गए थे शाश लिपस्टिक्स जो है हमारी, ये तैयार हो गए हैं। ये हम लोगों ने ऑयल में थोड़े थोड़े फ्राई कर लिए हैं, मतलब ये कि चिकन हम लोगों ने पहले फ्राई कर लिया, पका लिया इसे, और इसके बाद जो है ना इसको लाइट सा वो कर रहे हैं इन स्टिक्स के साथ लगा के, फिर इसको फ्राई करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख लिया है। और जी, तो जी हमारी गपशप हो रही थी, और अब हम खाने के लिए बैठ चुके हैं क्योंकि सबको लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। तो यहाँ पे जी अम्मी निकाल रही हैं बिरयानी गेस्ट के लिए। हम सब नीचे बैठ गए थे, और बाबा और जो है हमारे भाई वो ऊपर बैठ गए हैं, ठीक है। ये भी हमारे फैमिली फ्रेंड ही हैं। तो जी, जब तक बाहर खाना वगैरह खा के सब गपशप कर रहे थे, और यहाँ पे बर्थडे की तैयारियाँ हो रही हैं जी। हम लोग के जहन में एकदम से आया कि प्री बर्थडे जो है ना सेलिब्रेशन हम लोग कर लेते हैं। तो ये जल्दी जल्दी से हम लोग ने फेरी लाइट्स लगाई, और उसके बाद वो लोग सारे बैठे हुए गपशप कर रहे हैं। जो फेरी लाइट्स हैं हम लोगों ने पहले उतार ली थी ना, क्योंकि ये ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तो पता नहीं किस वजह से हम लोगों ने उतार दी थी। और फिर अचानक मैंने कहा कि यार वापस लगाते हैं, क्योंकि उसकी बर्थडे है, तो जल्दी से हम लोगों ने केक वगैरह मंगवा लिए। तो फिर ये हमने कहा कि चलो जब तक तैयारियाँ करते हैं, वो लोग बाहर गपशप कर रहे थे। एक तो ये इतनी इसके अंदर वो हुई हुई थी कि खुल ही नहीं रही थी। यार ये देखें आप लोग, और मेरी फ्रेंड का बर्थडे भी है, तो हमने कहा कि क्यों ना बर्थडे भी आज सेलिब्रेट कर दिया जाए। अचानक से मैंने उसको सरप्राइज देना है हमने उसको। अभी उसको मैंने बताया नहीं कि तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट किए, ये हमने केक मंगवाया है एक राहत से, और ये दूसरा दो केक मंगवाए। गिफ्ट वगैरह मैंने कोई नहीं लिया यार, वो मैंने कहा मैं बाद में उसको दे दूँगी, अभी भी तो बस मैंने केक ही मंगवाए, क्योंकि अचानक से ये हमें ख्याल आया कि चलो। तो जी यहाँ पे किचन में इतना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, और ये लोग सारे मुझे कह रहे थे कि बर्तन तो तुमने धोने हैं। हालांकि मैं इतनी देर से किचन में खड़ी हूँ, खाना खड़े होकर मैंने खाना वगैरह बनाया तो नहीं है, लेकिन ये कि कुछ वो गर्म वगैरह करना, और ये बैठी सबके साथ बाहर गपशप लगा रही थी। फिर मैंने सोचा था यार बर्तन तुमने धोने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने इसे कहा कि चलो सारा कुछ तुमने किया, तो उसके बाद बर्तन जो है मैं धो लेती हूँ। बर्तन वगैरह सारे मैंने धो के फिर सारा कुछ समेटा, बाकी जो चीज़ें थी किचन में रखनी थी। और जी यहाँ पे हमारी होगी इन तैयारियाँ सारी कंप्लीट, मैंने केक ला के रख दिए हैं। बर्थडे इसे की है, माशाल्लाह। तुझको कितना पता लगा कि बर्थडे है? किसकी राखी? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रामा, डियर बर्थडे टू यू पापा। तो यार बीच में वो भाई तंग करने लगे हमारे के यार मम्मी का बर्थडे है, पापा का बर्थडे, तो इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा हंसे। और उसके बाद हमने कुछ फोटोग्राफी, और हमने कहा कि चलो थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं। और यहाँ पे फिर हम एक दूसरे को बैठ के केक खिलाना शुरू हो गया, और मेरा इतना दिल कर रहा था कि जल्दी जल्दी से केक खाऊँ, टेस्ट करूँ, इतना मज़ा, मेरा बड़ा दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने का ना। तो पहले मैंने खुद खाया और फिर मैंने उसको खिलाया, और ये लोग सारे हंस रहे कि तुमने ये क्या किया कि पहले तुमने खुद खा के फिर उसको खिलाया। हाँ, लेकिन ये है कि मीठा हमें पसंद भी तो बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन कम से कम जितना खाना चाहिए इतना अच्छा है आपकी सेहत के लिए। मदीहा की बर्थडे की जान रेस्टोरेंट, जान रेस्टोरेंट तस्वीरें कह रही थी, मुझे याद भूल जाती है, सेकंड को मुझे मैसेज कर देना। काफी टाइम हो गया, नहीं बनाया। वैसे मुझे फील हो रहा है ना, ये बर्थडे मनाने में मेरा ही किरदार कुछ बड़ा रहा है। मैं जैसे जैसे बिजी हो गया ना, ये लोग छोड़ दिए, छोड़ दिए पता है वो होता है। तो शाम में भी दूसरी गई है, फिर आप भी होते हैं।
दोनों क्यों काट दिए? काट लो जिस को जो टेस्ट ना काट के भी ले जाएंगे ना, मैं कुछ खा नहीं सकता। बाजी आप भी इधर चल जाओ। आपके बाबा ने क्यों डाल दी है अलग अलग दिन? बस सही है, दिखा ठीक है, प्यार बढ़ता है। हाँ सही है, प्यार बढ़ता है। अच्छा जी, तो एक और बात कि जो वीडियो में शोर आ रहा है, ये ना बाहर जो बच्चे हैं स्ट्रीट में इस टाइम खेल रहे होते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा शोर है, वरना हमारे घर में कोई फ़िलहाल बच्चा नहीं है। तो जी चलिए यहाँ पे आज का व्लॉग करते हैं एंड। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखिएगा। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।